नमस्कार, TV24 में स्वागत है आपका। मैं हूं अभितोष सिंह और आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से टिप्पणी की और कहा कि कोशिश की जाए कि बातचीत से कोई हल निकाला जाए। जो विवाद जारी है उस विवाद को मध्यस्थता के जरिए दूर किया जाए, उसे सुलझाया जाए। कई सालों का वक्त बीत चुका है लेकिन आज भी मसला जस का तस बना हुआ है। जैसे ही कभी लगा कि शायद इस मसले का हल निकलने वाला है, कोई नतीजा निकलने वाला है, वैसे ही कोई ना कोई पेच फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि इसका हल बातचीत के जरिए निकाला जाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे कोई फैसला होना संभव है, क्या यह पॉसिबिलिटी नजर आती है? इसी पर है आज की हमारी चर्चा, आज की हमारी बहस। और आपको बता देते कि दिन भर आज दरअसल हुआ क्या इस मसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि अगर संभव हो सके तो मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मध्यस्थता करने वालों के नाम भी मांगे थे जो कोर्ट में दे दिए गए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ ये जमीन का मसला नहीं है बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ यह मसला है। मस्जिद पक्ष मध्यस्थता की बात मानने के लिए तैयार है, हालांकि हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है। सुनवाई के दौरान निर्मोही अखाड़े को छोड़कर रामलला विराजमान समेत हिंदू पक्ष के बाकी वकीलों ने मध्यस्थता का विरोध किया। बोबड़े ने कहा कि हम हैरान हैं कि विकल्प आजमाए बगैर मध्यस्थता को खारिज क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अतीत पर हमारा नियंत्रण नहीं है पर हम बेहतर भविष्य की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सिर्फ पक्षों का विवाद नहीं है, दोनों तरफ करोड़ों लोग हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं इस मसले से। मध्यस्थता में जो निकलेगा वो सबको मान्य कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया गया कोर्ट के भीतर। विवाद चल रही है जमीन किसका है, ये तो अनर्थ है क्योंकि जमीन तो भगवान, जमीन तो सरकार का है और जीतने के बाद मैक्सिमम मुआवजा मांग सकते हैं, मुआवजा तो आज भी देने के लिए तैयार है सरकार। तो मैं कहता हूँ इसमें समझौता करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ही समझौता हो सकता है कि मुसलमान के जो सुमी वाकफ बोर्ड है वो कह देंगे कि हम मस्जिद दूसरी जगह बना लेंगे, हमें बनाने के लिए सारी सुविधा दीजिए, वो हो सकता है। परंतु ये सारा जो ज़मीन है ये सिर्फ राम जन्मभूमि और राम मंदिर के लिए हो सकता है। अदालत में हो ये सब करने की जरूरत क्या है, हम तो इसे बिल्कुल नहीं मानते, इसलिए हमारे यहाँ केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। हमारे वाले साहब भी यही करते थे, हम भी यही करते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में हो, हम बाहर ना प्रदर्शन करते हैं, ना धरना देते हैं, ना जुलूस निकालते हैं, हमें साफ चाहते हैं जो कोर्ट करेगा वही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुओं के भावनाओं का बराबर अपमान करता चला जा रहा है, और अगर कोई बात 1992 में जितने भी राम भक्त आए थे कोई उस विवादित ढांचे को छूना नहीं चाहता, तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये कोर्ट के कारण ही, कोर्ट के ही दोष से उस समय सारा हिंदू आंदोलित हो गया और आंदोलित हो करके एक एक ईंट यहाँ से उठा ले गया। और ये भी सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है, बराबर यही चाहता है कि देश में आग लग जाए और जो कुछ भी होगा इसका दोष सुप्रीम कोर्ट को होगा। सेक्शन 89 CPC के तहत मीडिएशन की कोशिश हो रही है और मुस्लिम साइड ने उसको एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है उस ऑर्डर के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि ये मुस्लिम साइड के जो वकला हैं, लॉयर्स हैं, वो बताएंगे कि क्या वो भी कोई नाम देंगे जो मीडिएटर्स होंगे, तो ये तो अभी मुझे नहीं बता सकता आपको, वो बताएंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल कोहली BJP प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजमल खान मुस्लिम मामलों के जानकार हैं, खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और JK शुक्ला हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। JK शुक्ला जी, चलिए ये समझाइए कि मध्यस्थता से क्या बात बनेगी, क्योंकि एक
रास्ता निकालने की कोशिश बार बार हो रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि मसले का हल आपसी बातचीत से निभाइए, मध्यस्थता करवाइए, तब जाकर मसले का हल निकलेगा। क्या लगता है? देखिए अभिषेक जी, जैसा अभी तक चला आ रहा है और देखा जा रहा है कि मध्यस्थता ही चली आ रही है, लेकिन अभी तक तो कोई इसका हल निकला नहीं। लेकिन वैसे देखा जाए समाज के बहुत सारे जो जजमेंट होते हैं या न्याय होते हैं समाज को लेकर के मध्यस्थता के कारण भी हो जाते हैं। लेकिन ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं इतना पेचीदा होता जा रहा है कि इसको हिंदुओं के लिए डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और बार बार हम लोग सुप्रीम कोर्ट को दुहाई देते हैं या किसी पार्टी को देते हैं, ठीक है, इसको बहुत अलग नज़र से देखा जा रहा है और जिसको कि नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर चाहे मध्यस्थता के कारण हो चाहे वैसे लोग आपस में बैठ के कर लें, ठीक है, और जल्द से जल्द निर्णय होना चाहिए। नहीं, किस नज़र से देखा जा रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है से तो अलग नजर से देखा जा रहा है या अलग नजरिए से देखा जा रहा है, ये थोड़ा सा समझाइए। नहीं, अभी तो अलग नजरिए से ही हमको लग रहा है कि हम ही को नहीं पूरे देश को लग रहा है कि एक जिस हिसाब से अभी ये कार्य प्रणाली चल रही है, ठीक है, इसके हिसाब से तो बहुत अलग नजरिए से दिख रहा है। नहीं देखिए, मध्यस्थता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत की और फिर सारे पक्षों से, जो तीन पक्ष हैं उन सभी पक्षों से मांगा कि मध्यस्थता के लिए कुछ नामों को सुझाइए। नाम सुझाए गए, सभी पक्ष तैयार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये भी कहा गया कि ये सिर्फ मसला नहीं है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए खास तौर पर गंभीर मसला है, संजीदा मसला है, इसमें खास ख्याल सबका रखना चाहिए, लेकिन हल निकले तो बातचीत से। देखिए, बातचीत के तौर तरीकों से ही इसका हल निकल सकता है और सही तय है कि इसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों बैठे हैं और सही तरीके से इस पर डिबेट करें, आपस में बातचीत करें और इसको निपटाएं, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से अब राजनीति और समीकरण देखा जा रहा है अभी तक, बहुत पहले हम भी कई बार बोल चुके हैं आपके माध्यम से और भी चैनलों के माध्यम से बोल चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि साधु संत समाज तो बनाएगा लेकिन साधु संत समाज ही क्यों बलि चढ़े, क्योंकि इस समय 130 नहीं लगभग 150 करोड़ भारत की आबादी है जिसमें कि सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं। और हिंदू आज आस्था के नाम पे चल तो रहे हैं राम भरोसे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसका जजमेंट करे और सुप्रीम कोर्ट इसको केवल तारीख पे तारीख दे रहा है, ठीक है। तो जहां तक हमको लगता है कि अब आपस में बैठ करके ही इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, और नहीं अगर सुलझाते हैं दोनों पक्ष फिर साधु संत समाज जिस दिन कोपेगा, ठीक है, उस दिन मंदिर अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। चलिए, अजमल खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप समझाइए थोड़ा सा कि मध्यस्थता से क्या बात बनती हुई यहां पर दिख रही है सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए हरी झंडी दिखाई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसीलिए यह कहा गया कि यह व्यवहारिक तरीका है, आप लोग मध्यस्थता कीजिए, नाम दीजिए और बातचीत करिए, इससे सुलझाइए मामले को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मध्यस्थता के लिए कहा है। अभी तक जितनी बातें होती रही, कभी कोई संत कहता था, कभी कोई वकील एप्लीकेशन लगा देता था या सुब्रमण्यम स्वामी साहब लगा देते थे, एक बात तो ये है। और मध्यस्थता का जो प्राविधान है वो कानूनी प्राविधान है, 89 CPC में है जी। और किसी भी स्टेज पर जहाँ पर सिविल डिस्प्यूट हो वहाँ पर किसी भी स्टेज पर मध्यस्थता के लिए कोर्ट कह सकती है। कोर्ट अनेक्स्ट मीडिएशन में और इंडिपेंडेंट मीडिएशन में जमीन आसमान का फर्क है जी। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उससे देखने से ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही इस पर एक मत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फैसला जो है मेजॉरिटी से होता है। अगर मान लीजिए पांच जजेज की बेंच में 3 जज इस मत के हैं कि मेडिएशन होना चाहिए और कानूनी प्राविधान भी मौजूद है, तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट डिले कर रहा है। ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाई जाती है कि वो डिले कर रहा है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह से हम अपने संवैधानिक संस्थाओं का ही अपमान कर रहे हैं। उंगली नहीं उठाई जा रही। अजमल खान, यहाँ पर जो हमारे साथ मेहमान बैठे वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में देरी हो रही,
इसी वजह से हो सकता है कि कोशिश है कि मध्यस्थता की जाए और बाहर भाई जिस तरह का मुकदमा है हाँ। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ। उसमें देरी तो होगी, अपील सुनी जा रही ना, सीपीसी के तहत अपील सुनी जा रही है, इसमें एक एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना सुप्रीम कोर्ट की या अपीलेट कोर्ट की जिम्मेदारी है। यहाँ पर ओरिजिनल सूट हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, अपील नहीं डिसाइड की है। अब सुप्रीम कोर्ट पहली बार सिविल अपील सुन रहा है, इसलिए सीपीसी के प्रावधान के तहत एक एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में वो हो जाएगा। बार बार ये कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, तारीख दे दी। मैं समझता हूँ कि अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर हमें आस्था बनाए रखना चाहिए, और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मेडिएशन के लिए कानूनी तौर पर कहा है, और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी डिस्प्यूट के, सिविल डिस्प्यूट के किसी भी वक्त ये बात कह सकता है। ठीक है, कुणाल कोहली, देखिए देरी यहां पर हो रही है और अजमल खान साहब कह रहे हैं कि मध्यस्थता का जिक्र पहली बार किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, वाकई पहली बार किया, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कहती आई है कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जाए, सभी पक्ष बैठे बातचीत करें। पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतीयों को जय सियाराम जय भारत बोलना चाहूंगा। देखिए ऐसा है कि मध्यस्थता हमेशा एक बड़ी हेल्दी चीज है, दो लोग बैठ के बात कर सकते हैं और किसी सोल्यूशन पे आ सकते हैं तो वो एक बड़ी हेल्दी डेमोक्रेसी का एक बड़ा हेल्दी चेहरा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है जी, उसके ऊपर पिछले कई सालों से, मैं 20-25 साल कहूँगा, उससे ज़्यादा भी हो चुका है, 20-25 साल से अगर आप देखे जाए तो बहुत मध्यस्थता करने की कोशिश करी गई, लेकिन कोई एक मत पे नहीं आ रहा था। और क्या हो रहा था कि भावनाएं हर्ट हो रही थी एक दूसरे की। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, उनका भी आस्था से है, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी पड़ेगी, नरसिम्हा राव के टाइम पे जब ये विवाद उठा तो उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर AIS को बोला कि यहाँ पे आप फाइन करिए कि यहाँ पे क्या मंदिर था या नहीं, पहला स्टेप, उसके आगे हम चलेंगे फिर वहाँ से। तो वो जब उसकी एक्सिवेशन हुई तो वहाँ ये फाइंडिंग में आया कि यहाँ पहले मंदिर था जी। अब देखिए ये एक सबूत है, अगर हम कहते हैं कि आज हमारे कोर्ट सबूतों पे फैसला देते हैं तो एक बहुत बड़ा सबूत है। और AISI की रिपोर्ट को भी अगर आज आप बैठ के बोल दें हम इसको भी नहीं मानते, फिर तो मेरे हिसाब से ये जो मध्यस्थता बोली जा रही है वो इस टाइम पे भी फेल होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एजेंसीज को भी नहीं ऑनर करना चाह रहे। अब आप देखिए, इसने बोला यहाँ मंदिर था, हमारे को हमारी हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि इन्वेडर्स आते थे, वो हमारे मंदिरों पर अपनी चीज़ें बना देते थे, जो भी थे, अंग्रेज थे, मुसलमान थे, जो भी थे। आज हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई जो है वो इस चीज़ को बहुत आगे नहीं ले जाना चाह रहे, बिकॉज आज हम उस जगह पे हैं कि जहाँ हम अपनी घर की, अपने घर बार को देखना चाहते हैं, अपने कारोबार को देखना चाहते हैं, अपनी तरक्की को देखना। ये इशू जो है एक हिंदू के आस्था पे था, एक मंदिर था वहाँ पे, और मेरे हिसाब से ये बनता है कि आज जिन चीज़ों पे प्रश्न उठाया जा रहा है इस व्यवस्था में, मेरे हिसाब से जो मध्यस्थता आनी है वो कहीं नहीं लेके जाएगी। इससे टाइम वेस्ट जो पहले 20 साल से होता रहा, यहाँ पे कोर्टों को थोड़ा सा संज्ञान लेना पड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उनको एक फैसले पे आना चाहिए था, उनको ये बोलना चाहिए था जी ये तीन लोगों की बॉडी है, इनके साथ आप बात करिए और जो एक सोल्यूशन आएगा वो हमको बताएंगे, हम उस पर दे देंगे। ये एक मैं बात समझता हूँ, एक हो सकती नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ रास्ता ही तो सुझा रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो रास्ता सुझा रहा है वो वही रास्ता सुझा रहा है जो पिछले कई सालों से ट्राई कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, जो चीज़ फेल हो चुकी है अब बार बार उसको ट्राई करके क्या करना चाह रहे हैं, या तो टाइम गेन हो रहा है, टाइम ही आगे जाया जा रहा है। आज सारे चाहते हैं कि ये विवाद खत्म हो और हम सब आगे चले, इससे आगे बढ़े हम। और हिंदुओं का एक जहाँ आस्था आती है, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अपने मुसलमान भाइयों को कि एक जेस्चर है कि देखिए यहाँ पे एक मंदिर होता था, इन्वेडर आया, उसने आके यहाँ एक मस्जिद बना दी, आज उसको एक हिस्ट्री को, जो हिस्ट्री में जो हमारे साथ हुआ है उसको आज करेक्ट किया जाए वापस। और इसमें क्या गलत, इसमें क्या गलत है नहीं, देखिए यही तो कोर्ट में टिप्पणी यही की गई, कोर्ट में यही टिप्पणी की गई कि अतीत हम नहीं सुधार सकते हैं लेकिन आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन पीछे कौन हटेगा, आगे कौन बढ़ेगा? देखिए इसमें पीछे हटने, आगे बढ़ने की आगे कौन बढ़ेगा, बातचीत कौन शुरू करेगा, ये बड़ा मसला है वहां पर। जेके शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप बताइए। कुणाल जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या है मुस्लिम भाई जो अपने बैठे हैं बाबर को आतंकवादी मानते हैं? सबसे पहले तो इसको क्लियर किया। देखिए आज हमारा मुद्दा है राम मंदिर, अगर राम मंदिर को ध्वस्त तो बाबर ने किया ना, तभी तो बाबरी मस्जिद बनी। देखिए मैंने वो बात पे अभी एक टिप, मैंने उस बात पे बात बोली कि हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए थे, हमारे यहाँ पे लोग आते थे, आक्रमण करते थे, अपने साथ अपना रिलीजन लाते थे, हमारे मंदिरों के ऊपर अपनी चीज़ें बनाते थे, चाहे वो मस्जिद हो कुछ और भी हो।
तो आज इनको आप जब इनको ये मालूम है आज जो आज की स्थिति है, परिस्थितियां जो है, हम ये कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री में हुआ वो हम बदल नहीं सकते, हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आज हमको ये देख के कि भाई हम भविष्य सुधार हम भविष्य कैसे सुधारेंगे, हम अपनी एजेंसीज को बोलते हैं कि फाइन उसमें कैसे सुधार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, यहां पे कोई मंदिर था उन्होंने निकाल के वहां से सबूत दे दिया कि मंदिर था। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता की अपील के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, वाकई इससे क्या बात बनेगी। एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अजमल खान सर, यहां पर देखिए मध्यस्थता की बात की गई, लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालिए, क्योंकि सिर्फ दो पक्षों या तीन पक्षों की बात नहीं है, ये दो समुदायों की बात है, लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मसला है ये। देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक दरखास्त लगाई थी, उस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस केहर साहब ने यह कहा कि ठीक है आप बाहर जाके लोगों से बात कर लीजिए। बाहर निकले सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे जब चैनलों ने कैमरा लगाया तो कहा, उन्होंने मध्यस्थता का मतलब बताया कि मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे और ये मुसलमान चाहें तो नदी के उस पार जाके मस्जिद बना लें। इस तरह से मध्यस्थता नहीं होती। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए कहा है, उसके पहले तमाम लोग अपनी तरह से प्राइवेटली ये काम करते रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, तो मध्यस्थता के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए और मध्यस्थता में खुले मन से जाना चाहिए। मध्यस्थता सक्सेसफुल होगी फेल होगी ये दूसरा मामला है, हल क्या निकलेगा ये दूसरा मामला। पहले से ही अपनी हेंसिव हो जाना, अपनी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के ऊपर, वो भी न्यायिक संस्था के ऊपर, मैं समझता हूँ ये गलत। ठीक है, कुणाल कोहली। देखिए जी, हमने न्याय अपनी जो हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमने उस पर कभी उंगली नहीं उठाई, आज भी हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे। आज भी व्यवस्था के लिए बोला जा रहा है, अगर हमको कोर्ट्स बोल रही हैं हम उनका आदर करेंगे, ये नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ अभी एक डिस्कशन ये है कि उसका उससे क्या निकलेगा, उसका फ्रूट क्या है, कल क्या हम कहीं पहुँच पाएंगे। देखिए पहली बात कहाँ व्यवस्था कहाँ पर हम इंटरवीन कर सकते हैं कि एक दूसरे से बैठ के बात करें, जहाँ हम कुछ चीज़ों को मानने को तैयार हों। जैसे सरकारी कुछ एजेंसी, जैसे मैं पहले भी बोल सकता हूँ, ASI है, उसने कुछ वहाँ पे जाके एक्सप्लेनेशन करी, कुछ मिला, उसको पहली बात तो आप डिनाई करने बैठ जाओ, फिर कहो जी बात करते, इसको हटा दो, कंडीशनली आप चीज़ों को पहले हटाओ, तो या तो यहाँ बड़ी क्लैरिटी होती, या तो यहाँ पे कोर्टों की तरफ से बड़ी क्लैरिटी होती, इन इन चीज़ों को, मुद्दों को अपनी नज़र में रखते हुए अपने आके व्यवस्था करिए, बातचीत करिए और एक कंक्लूजन पे आइए। आज क्या हो रहा है कि जिसको जो सूट कर रहा है उस पर पॉलिटिक्स खेलते हुए काम कर रहा है। अब आप कहेंगे BJP भी खेलती है, देखिए ऐसा है, अगर BJP को पॉलिटिक्स करनी होती तो पिछले साल में ही कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता था कि जब मंदिर का निर्माण होना शुरू होता। लेकिन हम हिंदू लोग बहुत धैर्य वाले लोग हैं, हम 20 साल से अपना धैर्य रख के बैठे हुए हैं कि जी आज चीज़ समझ आएगी हमारे मुसलमान भाइयों को, आज वो ये कहेंगे कि नहीं आप अपना मंदिर बनाइए, हम अपनी मस्जिद इधर जाके बना देंगे, भाईचारा रखते। देखिए यहाँ मंदिर था, इसको अगर आप डिनाई करें पहली बात, तो या तो सब ये बोले जी, कोर्ट ये बोले कि डिनाई, कोर्ट ने डिनाई नहीं किया, कोर्ट ने यहाँ तक माना कि ये करोड़ों लोगों की आस्था से लगा हुआ एक मुद्दा है और इस मुद्दे पे आपको उस आस्था के विश्वास के साथ कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है। अब जो हम लोगों ने आज बैठ के मीडिएशन करनी है वो इस चीज़ को नज़र में रखना पड़ेगा, कोर्ट की एक टिप्पणी है इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, अगर आप बात करने शुरू करेंगे इसके ऊपर अपोजिशन शुरू हो जाएगी एक मिनट में, तो आप किस पॉइंट पर बात करेंगे, मुझे ये बताइए ना, किस पॉइंट पर बात करेंगे आप। आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं, आप ASI की फंडिंग को मानने को तैयार नहीं, आप कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को मानने को तैयार नहीं। हिंदू महासभा ने क्या कहा ये आपको बताते हैं, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के लिए वो तैयार नहीं, क्योंकि ये उनके भगवान की जमीन है, वो पहले से कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जस्टिस बोबड़े ने कहा कि पहले बात तो कीजिए, उससे पहले कैसे नतीजे पर आप पहुंच गए। अजमल खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी एविडेंस कलेक्ट करने की एजेंसीज हैं उनका काम है एविडेंस कलेक्ट करना, वो कितना हिंदुस्तान के एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है या नहीं ये काम है कोर्ट को डिसाइड करना। कोई आदमी प्राइवेट चैनल पर बैठकर या कहीं भी बैठकर ये नहीं कह सकता कि ये एविडेंस के बिना पर ये रिजल्ट आना चाहिए, ये काम कोर्ट का है। इन तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना चाहिए। मध्यस्थता में एविडेंस नहीं देखा जाता, पार्टियों की बातचीत देखी जाती, क्या वो किसी ऐसे फार्मूले पर पहुंच सकते हैं जिससे वो डिस्प्यूट सेटल हो जाए।
अगर ये लेके जाएंगे कि हमारा ये इविडेंस है इस पे आइए, तो मेरे ख्याल से मध्यस्थता इस तरह से नहीं होती। मध्यस्थता का पूरा कानून लिखा पढ़ी में है। बिल्कुल, कुणाल कोहली कुछ कहना चाह रहे हैं। व्यवस्था हाँ। आप किस, मैं आपसे देखिए मुझे बात नहीं समझ आ रही। हाँ। हम क्या बात करें? हाँ। किस बात पे बात करें? हम कहते हैं वहाँ मंदिर था, वो कहे यहाँ मस्जिद है। तो देखिए हमको अगर आस्था की बात करनी है और हमें अगर हमें रियलिटी चेक करनी है तो कहीं ना कहीं एविडेंस को तो मानेंगे। हम किस बेस पे टेबल पे बैठ के बात करें? देखिए मैंने आपको क्या कहा, अभी कोर्ट से बाहर अभी आज जजमेंट आया है, आज कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट करी है, अभी से उस पर शुरू हो गए, डिनाइल शुरू हो गई कि जी हम एविडेंस नहीं मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कहा जाता है बातचीत से। अरे बातचीत से अगर ये मामला अगर सुलटाया जा सकता तो 20 साल कम है? नहीं, विरोध तो सबसे 20 साल कम, और आपने 2 साल में क्या हो जाएगा ऐसा? मुझे देखिए यहाँ पे कोई ऐसी नया कोई चीज आई नहीं। हाँ जी, हिंदू महासभा ने सबसे पहले डिनाइल किया, सबसे पहले मना किया कि हमारी जमीन है, हम इस पर मध्यस्थता करेंगे नहीं। फिर जस्टिस बोबड़े साहब ने फिर कहा कि पहले मध्यस्थता कीजिए, बातचीत कीजिए, तो उसके बिल्कुल बाद देखिए मैं तो उसका आदर कर रहा हूं, मैं कोर्ट का आदर कर रहा हूं। हाँ। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। हाँ। कि आप किस बेस पे टेबल पे बैठ के बात करेंगे? आप एविडेंस मानने को तैयार नहीं, आप कहते नहीं जी एविडेंस साइड कर दो, आप बात क्या करें? मैं हम तो शुरू से कह जा रहे हैं मंदिर था, आप शुरू से कह जा रहे हो कि नहीं। क्या बात सर बताइए, क्या बात करें उस पर? देखिए मैं एक बात इनको बता दूं जो साहब बोल रहे हैं कि मैं लखनऊ हाईकोर्ट में 10 साल से मीडिएटर हूं और मीडिएशन का सर्टिफिकेट के साथ साथ मैंने तमाम सारे इस पे लेक्चर अटेंड किए तमाम लोगों को। मीडिएशन में एविडेंस नहीं देखा जाता, ये नहीं जानते, गलत चीजों को बताएंगे। अगर मीडिएशन में कोई एविडेंस नहीं होता ये मुझे मत बताइए, कहां से लोग एग्री करते हैं? ये तय आपको राइट नहीं दे दिया कोर्ट ने, आप हमें सर्टिफिकेशन दे दिया मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको क्या बताया? बेकार की बात कर रहे हैं, मुझे मत दिखाइए, मुझे मत दिखाइए अपना सर्टिफिकेशन। अरे आप किसी सर्टिफिकेट फोटो में नहीं दिखाइए, मुझे आपका सर्टिफिकेशन कोर्टों में अपने बात। कुणाल कोहली, कुणाल कोहली, अजमल खान साहब बात करिए ना, अजमल खान साहब, कुणाल कोहली, अगर आप लोग जैसे उसमें हुए मध्यस्थता करने के लिए तो फिर कैसे बात बनेगी सर? आपको यही समझा रहा हूं, मध्यस्थता कहां होगी? मध्यस्थता वहां होगी जहां आप सारे पक्ष सामने रखेंगे, याद तक नहीं, लेकिन बात सुनना तो दोनों पक्षों को पड़ेगा, बल्कि तीनों पक्षों को पड़ेगा, सुनना तो तीनों पक्षों को पड़ेगा। आस्था की बात नहीं है, ईगो 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 वाली बात नहीं आनी चाहिए। मध्यस्थता फिर कैसे बात नहीं? कुणाल जी अभी जो आप कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप लोग बैठ के बात कर लो, मध्यस्थता अपने आप को हटा दे रही, आप ही दोनों भाई बैठ के देख। सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं रही है, सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं रही है, नहीं हटा, शुक्ला जी हटा नहीं रही है, वो कह रही है शुरुआत कीजिए मध्यस्थता की। मेरी बात को समझिए, मैं कहता हूं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर एक बार कह भी देती है कि आप दोनों लोग बैठ के सुलट लो और आप अपना पक्ष रहे, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो क्या मानने को तैयार होंगे? जनाब मैं पक्ष नहीं रख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको करनी है बात, मीडिएशन करनी है, तो किन कभी नहीं ऊपर करेंगे आप? वो मुझे बताइए, आप अच्छा आप मुझे बताइए, आप चलिए मैं ये कहता हूं जबरदस्ती आप मनवाओगे? आप ये बताइए, मैं जबरदस्ती नहीं, मैं तथ्य पूछ रहा हूं भाई साहब, किसके ऊपर बात करेंगे? क्या चीज के ऊपर? एविडेंस के ऊपर बात करेंगे? नहीं करेंगे, इनके एविडेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे। अरे किसके ऊपर बात करेंगे? इनके पास कोई तथ्य नहीं, निराधार है। क्या बात कर दी? ये कह रहा था मैं आपको, देख लीजिए आपके सामने टीवी पे क्या बोल दिया एआईसी की, इन्होंने फाइंडिंग को कह दिया कोई आधार नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान की जितनी एजेंसियां हैं सब बेकार है, सब बेकार तो है, तो है। बोल ही देखिए, हाईकोर्ट ने दिया है ना, आप कह दीजिए यहाँ मंदिर बनेगा, आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले सब जाएगा, सबका मंदिर बनेगा। कुणाल जी देखिए झूठा वादा देश को मत, अरे कोई झूठा वादा नहीं है, बीजेपी 4.5 साल से सुलझन चुका है, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चले, खुद देश के व्यवस्था चला रहे हैं, यहाँ पे बाबरी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बाबरी व्यवस्था नहीं है, हम एक व्यवस्था चला रहे हैं, अपने कोर्टों पे विश्वास रखो, हमारे कोर्ट हमारे हाथ में देंगे, हमारे मंदिर बनेगा, मैं भी कह रहा हूँ मंदिर बनेगा, लेकिन वो मंदिर कब बनेगा? वो मंदिर कब बनेगा डेट तो हमको बताइए। हम तो कहते हैं इनको हटाइए, नहीं मानने को तैयार है, कभी नहीं मानेंगे। हाँ, आप दोनों लोग बात कर लीजिए, अजमल खान साहब पास आता हूं। जब कोर्टों में आपके फैसले कोर्ट में जब हमारे जाते हैं तो हमें उनका आदर करना पड़ता है, ठीक है। कोर्ट एक फैसले पे आज आया है। हाँ,
आप ये कहें अगर हम कर दें, हम कोई ऐसी चीज कर दें जहां हम अपने कोर्टों को नहीं, ऐसे तो व्यवस्था रहेगी नहीं इस मुल्क में। सो कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कोर्ट में ये मामला चल रहा था, किसी ने चलाया हो, आप ये कहें कि कोर्टों को साइड कर दो, ये नहीं हो सकता। लाखों केस पड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता। आज तक उसका जजमेंट तो हो नहीं पाया। क्या राम मंदिर आज इतने दिन से कोर्ट में पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, क्या आप जानते हो कि ये जल्दी से निर्णय हो जाएगा क्या? अगर कोर्ट में निर्णय नहीं होगा तो राम मंदिर नहीं बनेगा। ऐसा है, देखिए जी, एक तो बात ये समझ लीजिए कि कोर्टों में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, ठीक है। ये हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है, इसका मतलब हम इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों ने साल 100 साल 200 साल 500 साल सबका उतना ही भागीदारी, आपका भी उतना ही भागीदार है। यानी कि जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह राम मंदिर बने, उन्हें इंतजार करना होगा सालों साल, ये बात 200 सालों का नहीं होता। देखिए इंतजार कर रहे हैं, एक चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट स्टेप, आखिरी पवाड़ पे हम आ गए। अब हम नीचे की नीचे वाले कोर्टों में नहीं है कि आगे और हमको फैसलों पे हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट इज वेर यू कैन गो, एंड सुप्रीम कोर्ट कहीं 20-20 साल 30-30 साल अपने यहाँ पे केसेस नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला दिया, आप बात कर लीजिए, नहीं होगा तो हमारे ये तो बात क्या करने होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, 6 महीने 3 महीने में यही जाके कोर्ट में बोलना पड़ेगा ना कि जी हम किसी भी कुणाल जी जेके शुक्ला कम से कम 6 महीने को तैयार नहीं है। देखिए मान लीजिए ये किसी कीमत में मानने को तैयार है, नहीं मानेंगे तो क्या कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगी? ऐसा हो सकता है कोर्ट फैसला ना सुनाए? कहां हुआ ये? हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कहां पे? अरे देश के करोड़ हिंदुत्व की जनता कोर्ट के भीतर है, कोर्ट के भीतर है, इसलिए इंतजार कीजिए। कोर्ट का सम्मान करते हैं, साधु संत भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी करते हैं। आप जब कोर्टों में जब सम्मान का मतलब कुणाल जी सम्मान का मतलब ये नहीं कि आप कोर्टों में कहो जी हम मानते नहीं करते रहे, सम्मान का ये मार के हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि आप मारते रहो हम सहते रहे। आज आपका सहने की क्षमता हिंदुओं की जा चुकी है। आज आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, हाथ पे हाथ नहीं पहुंचे, जल्द अगर हाथ पे हाथ रखा अगर भाजपा ऐलान नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। ब्राह्मण समाज बनाएगा, साधु संत समाज बनाएगा, योगी समाज बनाएगा, सब या तो आप डेट पूरा हिंदू समाज, आप हिंदू समाज को बांटिए मत, योगी समाज, मैं तो हिंदू को कह ही रहा हूं, मैं कह रहा हूं पूरा हम हिंदू समाज बनाएंगे, हिंदू समाज बनाएगा, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, मर्यादा हमें जब हमारे केस कोर्टों में होती है, इसकी विवाद क्या है? जमीन का विवाद आ रहा है, इस पे जमीन की प्रॉपर्टी का विवाद आ रहा है जिसके ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला देना है। आज कोर्ट ने एक स्टेप लिया है कि आप बात कर लीजिए, अगर आप फेल होते मेरे पास आइए, फिर हम बताएंगे आगे हम क्या करेंगे। अब आप क्या सोचते हैं इसमें 20 साल लग जाएंगे? 6 महीने 3 महीने 2 महीने बताना पड़ेगा। सो हम कहीं ना कहीं आए, अगर हम मूव ही नहीं करते, हम आगे बढ़ते ही नहीं, हम हाथ पे हाथ रखे बैठे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में आता ही नहीं। 20 साल से नहीं हुआ था शुक्ला जी, अभी इंतजार करना के टाइम में हुआ ही नहीं था। इंतजार करना होगा, वक्त तो अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि मामला पेचीदा है। देखिए मेरे दोस्त जो कुणाल जी है, चौखट में ये भाजपा से है और ये अपना पक्ष मजबूती से बिल्कुल रखेंगे क्योंकि अभी डेट को ऐलान हुआ नहीं। आप मेरे भाई हैं, मुस्लिम भी हैं, आप भी हैं, देखिए हम बिल्कुल सही है ना, मैं कुणाल भैया, मैं कुणाल भाई ना, मैं देश की जनता को बांट रहा हूँ, हिंदुओं को बांट रहा हूँ। हिंदू पूरे देश में है, मुस्लिम भी हैं, लेकिन मुस्लिम कभी नहीं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो ये मानते हैं, वो कौन से मुस्लिम मानते हैं जो ये कहते हैं कि मैं पहले हिंदू था, जबरदस्ती मुझको मुस्लिम बनाया गया। वो मुसलमान मानते हैं कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर था, राम मंदिर बनाया जाए, लेकिन जो मुसलमान ये मानते हैं कि मैं यहाँ का नहीं था, मैं बाहर का हूँ, वो आपको नहीं मानते, और देश की जनता मंदिर बनाएगी, लेकिन आस्था इसमें साधु संत समाज ब्राह्मण की आस्था पे, मैं मुस्लिम आस्था या दूसरी आस्थाओं पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आस्था पे बात करना चाहूंगा, मेरा हिंदू आस्था की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, दो समुदाय से जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए टिप्पणी, अब दो तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं यहाँ पर जेके शुक्ला, राम मंदिर के मामले पर आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपने बात कर ली मुस्लिम पक्ष के लिए, तो उसमें भी आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष में रहिए, सिर्फ यहाँ पर रहिए। मेरी आस्था हिंदुओं पे है, हिंदुवादी है, मैं अपनी हिंदुवादी वाले, लेकिन आस्था के साथ हमारे खिलवाड़ हो रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं, तो आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका चूहेगा नहीं, हम बनाएंगे, हम तो ये भी बोलने को तैयार हैं। तो भाईचारा हम रखना चाह रहे हैं, इसी के लिए हमने इतने साल जो लगे बात करने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। अब देखिए कोर्टों ने एक स्टेप, भाईचारा तो आप पाकिस्तान से भी रखना चाहते हैं, हाईएस्ट कोर्ट हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, इसके आगे भाईचारा किससे रखा जाता है?
भाईचारा तो आप पाकिस्तान से भी रखना चाह रहे थे ना? आप कहाँ रखना चाह रहे हैं? बस यात्रा भी चालू करवाए, उनको बहुत सारे सुदृढ़ कीजिए। जो क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे, हमने कभी पाकिस्तान से भाईचारा नहीं रखा, ये आप भी जानते हैं। हम ही एक ऐसा तीसरा मुल्क है दुनिया में जिन्होंने पाकिस्तान में अंदर घुस के बाहर किया है। अभी तो उसी में एक एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ भाईचारे की बात आती है, भाईचारा उससे किया जाता है, भाईचारे की परिभाषा समझिए। इसी देश का मसला है ये, भारत पाकिस्तान भाई क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? देखिए जो हमारे देश में रह रहा है, भाईचारा की परिभाषा को समझे, भाईचारे का उसी के साथ में परिवार दिखाएंगे, उसी के साथ हम आगे हाथ बढ़ाएंगे। जो भाईचारे को समझना ही नहीं चाहता, जानता नहीं भाईचारे का परिभाषा क्या है, उसके साथ भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस के पगुराए, वही गांव की कहावत है। तो हम इनके सामने क्यों बात करें कि भाईचारे की, ये कभी नहीं समझने वाले हैं भाईचारे की परिभाषा। शुक्ला जी, ऐसा है कि मुझे अपनी आस्था पे विश्वास है, मैं उस पर पूरा जी बिल्कुल रखता हूँ। और हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी क्वालिटी रही है कि हम में धैर्य बहुत है, और आई थिंक ये हमारी हिस्ट्री बताती है, और उस धैर्य पे ही हम जीते हैं, हमेशा जीतते आए। आज तक अगर हम दुनिया में सर्वाइव करे हैं, अगर हम सर्वाइव करे हैं हजारों सालों से, वो हमारा धैर्य था जिन्होंने हमको सर्वाइव करवाया। हम धैर्य रखे हुए हैं। आज हम हिंदू अगर हैं, आप भी मानेंगे इस बात से, हिंदुओं का एक बहुमूल उनकी आत्मा क्या है, उनका धैर्य है। वो हर उस इंसान को बार बार मौका देता है जो उसको बार बार चपेट मार रहा होता है कि मत मार भाई, मत मार भाई, मत मार भाई। लेकिन जब वक्त आ जाएगा, जब वक्त आ जाएगा और हिंदू अगर खड़ा हो गया, जो दिख रहा है, अगर ये मैसेज अब समझ आ जाए लोगों को, देखिए ऐसा है, हम बहुत धैर्य वाले लोग हैं, हम चाहते हैं चीज हमेशा भाई बंदी में। अब देखिए हमारे देश में हर तरह के लोग रह रहे हैं, हर तरह के लोग हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, बड़े हम बहुत प्राउड हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पाकिस्तान चले जाइए, हिंदू सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्रिश्चियन सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यहाँ आप आ जाइए, यहाँ पे आप देखिए जुराशियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, नाम लीजिए ना, 50 रिलीजन बता देंगे हम। सो हम लोगों को एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, और ये हमारे मुसलमान भाई भी जानते हैं ये कि नहीं। हाँ, इनके कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीति करते हैं, कहेंगे कि नहीं, इसको जितनी देर हम विलंब करते चले जाए, हम उनके अंदर एक भ्रम पैदा रखेंगे कि देखो जी हिंदू लोग हम पे ज़ाती कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान सच्चे भाइयों से कहीं से पूछो, वो कहेंगे देखो आप 20 साल तक रुके कैसे रहे, हम होते तो नहीं रुकते। हमारे भी दोस्त हैं मुसलमान, हम उनसे जब कभी कभी क्लोज डोर्स में बात करते हैं, कहते हैं यार तुम हिंदुओं में बड़ा पेशेंस है, 20 साल तक हम नहीं रुकते। तो देखिए ये हमारी, लेकिन मैं एक चीज नहीं भूलना चाहता, ये मैं इस पे गर्व करता हूं कि हम हिंदुओं में पेशेंस है, हम चीज के ऊपर धैर्य से काम करते हैं। लेकिन ये पता होता है दुनिया को, जब ये खड़े हो गए, पाकिस्तान को क्या पता है हम तीसरा देश है दुनिया में, तो हिंदू महासभा तीसरा देश जिसने एक दूसरे मुल्क में जाके अटैक किया है कुणाल कोहली मध्यस्थता के लिए। क्या शुक्ला जी, हिंदू महासभा तो तैयार ही नहीं हो रही मध्यस्थता के लिए, हमारी जगह है। अभितोष जी, हाँ, जो चीज मेरा है मैं उसके लिए ही मध्यस्थता किस बात का रखवाऊं, वो तो मेरा है ही। देखिए भाई, ये तो इनको मानना चाहिए कि बाबर एक आक्रमणकारी आतंकवादी था जो कि यहाँ पे आकर के हिंदू के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया, राम मंदिर को तोड़ करके यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवा दिया अपने नाम का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इसीलिए तो कहा जा रहा है इंतजार कीजिए। इतने कितने दिन तक करें, वही ताज में कुणाल जी से भी पूछ रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनसे भी मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन तक, और अजमल खान भी है, इनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कितने दिन तक मैं करूँ। कल वो कहता है तो आप तैयार भी नहीं हो रहे हो, नहीं नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, बाबर बादशाह था उस वक्त, 1950 में संविधान अडॉप्ट किया है, कानून मानो, कानून नहीं मानोगे देश नहीं चला पाओगे। ऐसा है जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा शुक्ला जी, आप जो बार बार बोल रहे हैं डेट दीजिए। देखिए मुझको अजमल जी की अभी बात सुनाई नहीं पड़ रही है, ना मैं इनको सब तरीके से जवाब दे, वो कह रहे हैं साफ तौर पर, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। कब तक इंतजार करें, लाखों केस तो पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, पड़े हैं जिला सत्र न्यायालय में, पड़े हुए हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला न कर दे, आप नहीं तय करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की का पावर है, वो जब फैसला करेगा तब उसको इंतजार करिए, मानिए। कई हजार आप लोगों के लिए तो है, लेकिन यहाँ स्थल तो हम लोगों की कचरी जा रही है ना, सबूत के तौर पर रखे गए कई हजार पन्ने हैं वहाँ पर। हाँ जी शुक्ला जी, एक चीज तो आप मान लीजिए कि हम अपनी व्यवस्था पे पूरी आस्था रखते हैं, ये व्यवस्था हमने ही बनाई है आजादी के बाद, और हम ही लोग इस पे आस्था रखते हैं, आप भी रखते हैं, सब रखते हैं। देखिए आज कुछ हमारे हिंदू दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं हम
मध्यस्थता में नहीं विश्वास रखते। देखिए अभी आज फैसला आया, एक जोश है, उस जोश में एक एक डिसअपॉइंटमेंट है तो बोल दिया लोगों ने, लेकिन इंटरनली मैं समझता हूँ हिंदू ऐसे हैं जो अपनी व्यवस्था पे हमेशा जिन्होंने विश्वास रखा है। दूसरी बात देखिए, अगर इसके ऊपर सोल्यूशन जल्दी नहीं आया, जो कोर्ट्स भी समझते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पे फैसला लेना पड़ जाएगा। अब ये सालों साल नहीं चलने वाला, अब यहाँ पे आर या पार होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को एक साइड पे जवाब देना पड़ेगा। और देखिए अपॉइंटमेंट अगर इसको अगर प्रोलॉन्ग करते गए तो मैं यहाँ बैठा बोल सकता हूँ, देखिए हाल जी बड़े भाई आपकी पार्टी के तो प्रधानमंत्री हैं, एक बार आप पूछ लीजिए ना कि डेट कौन सा बता रहे हो, हम तो डेट चाहते हैं। देखिए कोर्ट के साथ एक प्रक्रिया चल रही है, उसको जो समय देना है हमें देना पड़ेगा, हम उसको 20 साल नहीं देंगे, लेकिन कोर्टों में एक प्रक्रिया चल रही है, उसका आदर करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा यानी कि प्रधानमंत्री मेडिएशन करिए, अगर कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मेडिएशन में भी कोर्ट ने कहा ना नाम दीजिए, पता चल जाएगा महीने महीने भर में, ये पता चल जाएगा कितने नाम आए कोर्ट के आगे, कौन आएगा करेगा। देखिए अब जो प्रक्रिया है वो बड़ी स्पीड पर चलनी है और कोर्ट भी समझ गया है, यहाँ आज तक कोर्ट की एक टिप्पणी आप समझिए, अगर हमारे लोग भारत के लोग देख रहे हैं कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है इसके अंदर, उसमें एक मैसेज दिया है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है जो पहले कभी नहीं बोला कोर्ट ने जी। मतलब ये मान के चले जेके शुक्ला और कुणाल कोहली, ये मान कर चले कि चुनाव से पहले बहुत कुछ होने वाला नहीं हो सकता, तारीख आपको मिलेगी और ये जो मसला है ये जो मुद्दा है वो जीवित रहेगा क्योंकि आस्था का विषय है, चूंकि इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। अब डिसाइड ये करना होगा यहाँ पर धर्म गुरुओं को, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम पक्षकार हैं उस धर्म से जुड़े हुए हैं, सबको ये डिसाइड करना होगा कि भाई अब मंदिर का मसला है, ये मसला अभी भी जीवित है और हम भावनाओं के लिहाज से, भावनाओं के हिसाब से अब वोट देने वाले हैं किसी को या फिर हम किसी आश्वासन के हिसाब से वोट देने वाले हैं, ये सब जनता को अब डिसाइड करना होगा। अजमल खान, यहाँ पर देखिए साफ तौर पर यह कहा गया, बाबरी मस्जिद पक्षकार ने कहा कि आदेश पारित करना होगा जिससे मध्यस्थता के बारे में कोई भी बात बाहर ना आए, इसका थोड़ा सा समझाइए। देखिए मध्यस्थता का जो कानून है उसमें बात बाहर नहीं आनी चाहिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसमें मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन है, जो लोग उस मध्यस्थता में पार्टिसिपेट करेंगे वही बाहर आके वाहवाही लेंगे। आपको याद होगा जब श्री श्री रविशंकर साहब आए थे मध्यस्थता कराने तो हमारे वेदांति जी ने क्या कहा था कि 25 साल से लाठी डंडा हम खा रहे हैं, श्रेय ये ले जाएंगे। तो यहाँ एक मसला ये भी है, लेकिन जहाँ तक मध्यस्थता के कानून की बात है उसमें गोपनीयता बनी रहनी चाहिए जब तक कि मध्यस्थता सक्सेसफुल ना हो जाए या फेल ना हो जाए, मतलब आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर अजमल खान जी कि कोई फाइनल स्टेज तक पहुंचे, कोई फैसला हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए न्यायिक प्रक्रिया हमने अडॉप्ट की है ना, 26 जनवरी 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमने इसको सर्वोच्च संस्था माना है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सम्मान करें। नहीं सब सम्मान तो सभी पार्टियां कर रही हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपत्तियां होंगी, कोर्ट के भीतर की बात हो रही, जो आपत्तियां होंगी वो तो दर्ज करवाई, हिंदू महासभा ने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। देखिए हमारी कोर्ट में का ये सिस्टम है कि जिसको जो आपत्ति हो वो बताए, कोर्ट सुनेगी, 5 जजेस बैठे हैं, मान लीजिए 2 जजेस एक पक्ष में चले जाते, 3 जजेस दूसरे पक्ष में, तो फैसला 3-2 से माना जाएगा ना, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फैसले ऐसे हैं जो 3-2 से 5-2 से ये सब हुए हैं, तो ये हमारा सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इसमें एक बात खुली रहती है, बात खुली सुनी जाती है और उस पर एक फैसला आता है एक सिस्टम के तहत, इसमें क्या आपत्तिजनक है भाई। ठीक है कुणाल कोहली, देखिए आपत्ति किसी बात को लेकर नहीं है यहाँ पर, मध्यस्थता अगर हो जाती है बात हो जाने दीजिए। मैं खान साहब से एक बात से सहमत हूँ, यहाँ मैं मानता हूँ कि एक व्यवस्था में हम सब लोग हैं और आज एक कोर्ट में मामला है और मैं जो अब समझ रहा हूँ कि इसको यहाँ तक लाने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, एक ऑब्जर्वेशन दी है, ऑब्जर्वेशन दी है कि आप बात करिए और वापस आइए मेरे पास, बताइए क्या है और इसका मीनिंग क्या है। इन सब देखिए कई चीजें बड़ी खुल के नहीं बोली जाती है कानूनी व्यवस्था में, उसमें बोला जाता है कोशिश करिए आपका कर सकते हैं, नहीं हमारे पास हिंदू महासभा ने जब आपत्ति की तो ये कहा गया। देखिए ये मैंने आपको अभी बोला आज आज जब ये चीज ये वहां के जज बोले उन्होंने कि पहले आप आइए तो बात तो कीजिए उसके बाद ही आपने फैसला कर लिया। पहले मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा और इसके ऊपर इतना समय ले जा चुका गवाया गया है 20-22-25 साल,
जिसमें होप थी हिंदुओं को कि आज फैसला आएगा, आज फैसला आएगा, और नहीं आया उसके लिए। तो आज एक डिसअपॉइंटमेंट थी, और उस डिसअपॉइंटमेंट में लोगों ने बोला कि हम नहीं मानते। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ, जब ठंडे दिमाग से सब सोचेंगे, सब बैठेंगे, एक कोशिश ज़रूर करेंगे, उस कोशिश में अगर कोर्ट ये देखेगा कि फेल होते हैं तो कोर्ट अपना एक फैसला सुनाएगा। दूसरी बात है, देखिए यहाँ खान साहब जैसे कह रहे हैं कि हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन कोई राम लकीर नहीं है, मैं ये मानने को तैयार हूँ, ठीक है ना, ये बाबरी लकीर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल इज समथिंग विच इज टू बी सबको अकोमोडेट, साथ लेके चलने वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक देश का। आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे आप आके यहाँ पे व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे और कर पा रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं लोग, तो उस कानून में कुछ बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी तो होगी, बट वो आज नहीं। मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि आज एक मौका हमारे 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 जो कानून का व्यवस्था अभी आज है प्रेजेंट, वो इतनी तगड़ी है और इतनी सॉलिड है कि वो हमको न्याय देने के काबिल है। हमें इसमें आस्था है। जो जो फेल पहले फेल तो हो, जो मांग लगातार साधु संत करके आ रहे हैं कि संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, उसमें तब्दीली क्यों नहीं की जा रही है, वो बात आज आपने कह दी। नहीं, भावनाएं नहीं कहूंगा, हाँ। मैं ये कहूंगा कि जस्टिस, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक बहुत बड़ा तबका आज जस्टिस नहीं मिल रहा। देखिए जस्टिस क्या चीज होती है, जस्टिस है जो आपको जस्टिस दे। एक कानून में क्या मतलब होता है, कानून बनाने का मतलब क्या है? आज आप करोड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जिनको जस्टिस नहीं मिल रहा 20 साल से, और आप कह रहे हैं शांत रहिए, ये गलत है। अब उस व्यवस्था में कानून को अपना रोल प्ले करना है, हर जने को अपना रोल प्ले करना होता है उसमें। लेकिन संविधान को तो मानना पड़ेगा ना, संविधान तो हमारे मान रहे हैं, ठीक है, संविधान को मान रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का स्वागत है। जेके शुक्ला, यहां पर हिंदू महासभा की ओर से यह कहा गया कि भले ही जो तीनों पक्ष हैं वो मध्यस्थता के लिए मान जाए, लेकिन वो जनता नहीं मानेगी जो चाहती है कि वहां पर मंदिर बने। इस तरह की टिप्पणी की गई, अपना पक्ष रखा गया हिंदू महासभा की ओर से, क्योंकि मध्यस्थता के लिए वो तैयार नहीं हो रहा है। पहले आज मैं बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल कोहली जी से ही पूछना चाहता हूं कि जो मुद्दा है आपका राम मंदिर का, वो कितने एकड़ में है? 44.5 एकड़ का है, जिसमें 42 एकड़ जमीन जो है निर्विवादित है, जिसमें विवाद नहीं है, वो आपके पास में सुरक्षित है। मात्र 2.5 एकड़ का विवाद है जो राम जन्मगृह है, ठीक है। जब तक आपके पास में 42 एकड़ है, उस पर आप कुछ मंदिर बनवाइए, आश्रम बनवाइए, और जो बनवाना है उसको बनवाइए। हिंदुओं को लगेगा, हमारे BSP को लगेगा, हिंदू वाहिनी को लगेगा, या बहुत सारे और भी हमारे संस्था हैं, संगठन हैं, उनको अगर लगता है कि नहीं आपसे बात करना चाहिए और यहाँ मध्यस्थता की अब ज़रूरत है, अब आप इस पे परफेक्ट खड़े उतर सकते हो, तो जाहिर सी बात है वो तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले तो आगाज तो कीजिए, आपके पास जो सुरक्षित उसको तो आप लेकर के आ भी नहीं रहे हो। आगाज कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, उसमें डेवलप करवाइए, फिर नहीं बैठते तब सोचने वाली बात है। जस्टिस बोबड़े ने यह भी कहा कि हम बाबर की घुसपैठ को बदल नहीं सके, लेकिन हम मौजूदा हालात को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही अतीत हम नहीं बदल सके। आपने जो चीज बोली कि बाबर की घुसपैठ को नहीं, इस टाइम कोर्ट ने बहुत ऑब्जर्वेशन दिए। आप सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या मैसेज देना चाह रहा है। वो ये बोलना चल रहा, प्यार प्यार से अपनी चीज़ों को सुलटा लीजिए आप। क्यों, उन्होंने ये भी बोला हिस्टोरिकली यहाँ एक मंदिर था जिसको तोड़ा गया, ये इनडायरेक्टली बोला गया। अगर बाबर का नाम लिया गया है तो कोर्ट भी इसको डिनाई नहीं कर रहा आज, ये एक तो बहुत बड़ी चीज़ है। बात का भी इंतजार कर रहा है, अगर कोर्ट इतना इनडायरेक्ट में बोल रहा है तो क्या रह गया है, जो आपने पढ़ी थी अभी, ये मैंने भी सुना था, और ये एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की तरफ से, हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए यहाँ पे बाबर आया और उसने कुछ गलत किया एक इनडायरेक्ट वे में, मैं ये बोलूंगा नहीं उनके शब्द थे, बट उसको हम बदल नहीं सकते, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। तो उन्होंने क्या बोलने की कोशिश करी कि आप भाई लोग आपस में बैठो
और जो चीज वहां थी उसके ऊपर विचार करो कि दैट मींस जो एक मंदिर था उसकी स्थापना का जो है उसके ऊपर विचार करिए। अगर आप फेल होते हैं कहीं तो आप आइए। अब देखिए इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मैं बार बार एक चीज बोले जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइम कोर्ट, इसके आगे नहीं है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जब हम वापस जाएंगे, अब इसमें ये मैं इतना जरूर आप लोगों को भरोसा दे सकता हूँ, डेट नहीं दे पाऊंगा, बट बीजेपी आप सबको ये भरोसा देशवासियों को दे सकती है, हिंदुओं को दे सकती है, अपने मुस्लिम भाइयों को भी दे सकती है कि इसके ऊपर सोल्यूशन बहुत जल्दी इसलिए आएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अब सारे पक्षों को जाके अपनी बात रखनी पड़ेगी कि जी हम तैयार हैं करने के लिए या नहीं है। नहीं है तो कोर्ट को लेना पड़ेगा कॉल, तैयार है तो बोलेगा बताओ क्या करा है। सो दोनों तरफ में हमारे पास एक सिचुएशन आ रही है जहां एक फैसला आना चाहिए बहुत जल्दी, और कोर्ट इसमें अब डिले नहीं कर सकता, ये ऑब्जर्वेशन बता रही है। जेके शुक्ला यही सोच रहे होंगे कि इन चुनावों में तो कुछ हुआ नहीं, अगले चुनाव से पहले आएगा क्या फैसला। ये चुनाव का मुद्दा भी नहीं था जी, ये भावनाओं का मुद्दा है। नहीं, चुनावों के आसपास ये मुद्दा उछलता है, भावनाओं के आसपास ये मुद्दा उछलता है। अगर ये चुनाव का मुद्दा होता तो बहुत कुछ हो सकता था, पर चुनाव का मुद्दा नहीं था जी। कुणाल जी, यहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी भी आड़े हाथ लिया जा रहा है, बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि जब 4.5 साल बीतने जा रहा है, चुनाव सिर पे है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, और अभी तक कुछ नहीं हुआ, और 42 एकड़ आपके पास में जमीन निर्विवादित सुरक्षित पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आप उस पर कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं करने के लिए तैयार है, चाहे वो मैंने आपको कहा ना, चाहे उसमें आप आश्रम बनवाइए, चाहे मंदिर और अन्य देवी देवताओं का बनवाइए, हिंदुओं को, धर्मगुरुओं को, जो और भी हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, या हिंदू युवा वाहिनी है, या विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, किसी को कहीं ना कहीं तो लगेगी आप पे कि नहीं आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं, निर्विवादित स्थान पर आप कुछ निर्माण करना चाह रहे हो, करना चालू कर दिए हैं, तब कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ये लगेगा कि नहीं आप अच्छा कार्य करो, आओ। अब ये जो कह रहे हैं चाहे मध्यस्थता की बात हो या इनके समझ की बात हो, आओ मिलकर के अब किया जाए, वो तैयार हो जाएंगे, कुछ तो आगाज कीजिए, नहीं तो आचार संहिता 11 मार्च को लगेगा। आप कल परसों, आपके पास टाइम है, कोई एक डेट बता दीजिए कि इस डेट से बनेगा। कोर्ट के मसले को छोड़ देते हैं, कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन चुनावों के वक्त ही ये मसला इतना क्यों उछलता है, इसके बारे में सर एक छोटी टिप्पणी कीजिए ना, अजमल खान साहब। देखिए, ये बीजेपी वो पार्टी है जो 2 सीट से 282 तक इसी मुद्दे की वजह से पहुंची, इससे कोई डिनायल नहीं। अगर इस पर जानना ही है तो उस वक्त के जो अध्यक्ष जी थे या जो सोमनाथ जो यात्रा निकाले थे, रथ यात्रा, उनकी किताब माई कंट्री माई लाइफ पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। इसमें कौन सी बात है, ये इकलौती पार्टी है जो इसी उसी के दम पे पावर पे पहुंची। अब हम आप कोई भी पार्टी का आदमी या कोई भी कहे नहीं नहीं ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अगर आपको याद हो तो 1993 में जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें जो तमाम वीडियो ऑडियो घुमाए जा रहे थे उनको रिकलेक्ट कर लीजिए, किस तरह के नारे लगाए गए। इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करना और उसके बाद वोट लेना पोलराइजेशन करके, ये लगातार होता रहा है, अब भी हो रहा है, इससे कोई इनकार थोड़ी कर सकता है। सुनाल कोहली, देखिए ये बहुत सूट करता है विपक्ष को, ये ना आस्था का जो मामला है बड़ा सेंसिटिव मामला है, और स्पेशली जब ये आस्था का मामला करोड़ों लोगों से जुड़ा हो, एक बहुसंघ जो लोग हैं इस देश में उनसे जुड़ा हो, तो इसको राजनीतिकरण करने में विपक्ष का बड़ा गेन होता है। क्यों, वो क्या डाउट क्रिएट करते हैं हिंदुओं में, देखिए ये नहीं हुआ, देखिए हिंदुओं को एक चीज़, मैंने अभी एक चीज़ बोली है कि हम हिंदू जो हैं हम धैर्य लोग हैं, धैर्य वाले लोग, ये हमारी हिस्ट्री बताती है, तो आप हिंदुओं को भड़का नहीं सकते। हाँ, इस मुद्दे को जब इलेक्शन में आप जवाब तो मैं दूंगा, जब एक विपक्ष आके इस मुद्दे पे बात करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन देखिए कितनी कन्वीनियंस है अभी बैठे हुए। खान साहब ने क्या बोल दिया कि बीजेपी करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, ये मुद्दे के ऊपर सबसे पहला प्रधानमंत्री जिसने ऑर्डर दिया था एसआई का फाइंडिंग के लिए, वो बीजेपी के थे, नरसिम्हा राव थे, कांग्रेस के थे, क्या राजनीति खेल रही, उन्होंने भी भावनाओं को समझा, उनको भी पता था कि देखिए इस मुद्दे के ऊपर अगर सिंसियरली और ऑनेस्टली काम करना है तो इसके ऊपर फैक्ट्स पहले पता करिए, और फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे कि जमीन के नीचे क्या था, वो निकल के आया। अब आप देखिए इस फाइंडिंग में ये नहीं था कि सिर्फ हिंदू थे, उसमें कुछ हमारे मुसलमान भाई भी थे, ये भी फैक्ट है, ये भी रिकॉर्डेड है। जब एक्सक्वेशन हुई तो वहां से चीजें मिली, अब उस चीज को डिनाई किया जा रहा है, उस पर राजनीति करी जा रही है। जितना विपक्ष है उन्होंने ये ठेका ले लिया है कि हम हिंदुओं के मन में डाउट, और हिंदू बड़े कोमल मन के लोग हैं जी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग यहीं आके बसते थे,
कहीं का रिलीजन देख लो, जब उनको दिक्कत आती थी हमारे यहाँ के बसते थे, हम कोमल मन के लोग हैं। ये भावनाओं का मसला मुद्दे में कैसे तब्दील हुआ और इस मुद्दे का फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है, कौन सी पार्टी? देखिए, इसको आप भी जानते हैं, हमारे काबिल दोस्त भी जानते हैं और सभी जानते हैं। नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। नहीं, इसको बोलना, अगर बोला जाएगा ना, हाँ, तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। और सही तो है कि कांग्रेस, बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मुझको कोई डर नहीं है कि मुझको कांग्रेस या बीजेपी या कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचेगा, मुझको ठेस लगेगा। साधु संत बीच में, साधु संत बहुत ज्यादा नाराज लगेगा, बोलना पड़ेगा। और प्रयागराज से साधु संतों ने इतनी नाराजगी जताई कि कहा कि योगी आदित्यनाथ आए ना यहाँ पर, बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ गए और वो साधु संतों की नाराजगी कहीं ना कहीं दूर हुई। दो मिनट, लेकिन मसला एक बार फिर से ये जागा है, और चुनावों के वक्त जब मसला आता है तो उस पर सियासत हो ही जाती है, सुप्रीम कोर्ट पर बात नहीं करते। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, समय की कमी है, एक दिन और इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, चूंकि मसला फिर से गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, कोशिश ये हो रही है कि मध्यस्थता की जाए, और सवाल हमारा यह है कि क्या बातचीत के जरिए हल निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस बहस में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के ऑन स्पॉट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।